43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि 51.2 × 51.4 माइनस 320.8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 62। क्वेश्चन मार्क प्लस 62, ठीक है। अब 51.2 में 51.4 का गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो इधर गुणा अगर कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ठीक। 4 से हो गया, फिर 1 से करें तो 2 1 5, और फिर अगर 5 से करें तो 5 दूनी 10 का 0 और 5 एकम 5 और 1 6, फिर 5 पचे 25, जोड़ लीजिए अगर सबको तो कितना हो गया, 8 6 1 और 6 5 11 2, 13 5 1 6 2, और 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव कितना हो गया, 26 31। तो क्या हो गया, ये हो गया 26 31.68 और माइनस 3, ये 20 में ये 62 जुड़ गया तो कितना हो गया, 82.8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के। अब ये क्वेश्चन मार्क कितना होगा, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना होगा, अगर यहाँ से हम इसको 80 लिख लें, यहाँ जी 8 में से 0 गया तो 8 बच गया, इसको 16 मान लें तो यहाँ से 16 में से 8 गया, 8 बच गया, और ये है कितना, 10, 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, फिर ये 2 मतलब 12, 12 में से 8 गया तो 4 बज गया, फिर यहाँ पे है 5, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, 2, 2248.88, और 2248.88 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।